यहाँ उपस्थित हमारे कांग्रेस के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी किसान साथी, वरिष्ठ जन, कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथीगण, सभी समाज में आए हुए सभी सम्मानित समाज के पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे बेगूसराय जिले के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक क्षण है। एक साल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। आप सब जानते हैं पूर्व में बेमेतरा जिला तो बना, लेकिन जिले को बुनियादी सुविधाओं से भी दूर रखा गया। बहुत सारी हमारी पूर्व में मांग रही है कि बेमेतरा जिले का एक व्यवस्थित विकास हो सके, लेकिन पूर्व सरकार ने जैसा बेमेतरा जिले का विकास हो पाना था उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। एक साल के अंदर मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के बनने के बाद आज 98 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण बेमेतरा के इस जिले में बेमेतरा शहर में होने जा रहा है। मैं समस्त जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आने वाले समय में जिनका भी भूमि पूजन होने जा रहा है, बेमेतरा जिले का एक व्यवस्थित विकास हम सबको लगेगा। हमारी बहुत ही पुरानी मांग थी कि बेमेतरा जिले में जब हम शुरुआत करते हैं तो नेशनल हाईवे में उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वहाँ ट्रैफिक की समस्या रहती है, बीच में डिवाइडर लगना चाहिए। पिछले कई वर्षों से ये मांग हम करते आ रहे थे, लेकिन पूर्व सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय तापनोज साहू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय रविंद्र चौबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मांग को समझा और इसके लिए 32 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई। अभी भूमि पूजन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका दिया जा रहा है। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे हमारे काम है जिनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में होने जा रहा है। मैं बेमेतरा जिले वासियों को विश्वास दिलाता हूँ, बेमेतरा नगर वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में बेमेतरा की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। बेमेतरा जिले का चहुंमुखी विकास, बेमेतरा नगर का चहुंमुखी विकास होगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही साथ जब कृषि मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए थे तो हम लोग उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराए थे कि बेमेतरा की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण मांग एक बाईपास की घोषणा भी की थी और अभी उसकी कार्रवाई भी चल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द हमारी जो पुरानी मांग है बाईपास की स्वीकृति मिलेगी। तब तक एक लिंक रोड के रूप में हमको 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति हो चुकी है, उसका भूमि पूजन भी हो चुका है, उसका काम भी अब शुरू होने वाला है। वो सेंट्रल जेल के सामने से शुरू होंगे, एकेडमिक स्कूल के पास और रोड निकलेगी, उसकी लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम सब हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, जो लगातार छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की लड़ाई, छत्तीसगढ़ के किसानों की लड़ाई को जो लगातार लड़ते आ रहे हैं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देंगे और 2500 रुपए में खरीदी भी शुरू हुई है। और आगे भी केंद्र की सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपए में किसानों का धान न खरीदे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी स्पष्ट बोल चुके हैं कि किसी भी किसान को, किसी भी छत्तीसगढ़ के हमारे भाई को इस शंका पालने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल के दर से ही किसानों के धान का समर्थन मूल्य देगी, क्योंकि ये सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, ये सरकार किसान की सरकार है और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो किसान के बेटे हैं, वो खुद हल खेल में हल चलाए हुए रहते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं। अभी दीपावली का पर्व निकला है, काफी अच्छे से हमारे जिलेवासी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में दीपावली का पर्व हम सब ने बड़े धूमधाम से मनाया है। मैं अभी कुछ व्यापारी भाइयों से चर्चा कर रहा था तो हमारे व्यापारी साथी बता रहे थे कि पूरे देश में जहाँ आर्थिक मंदी है वहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिले जिले में आर्थिक मंदी का कहीं कोई असर नहीं दिखाई। यहाँ पे दीपावली में व्यापार काफी अच्छा चला है, व्यापारियों की चाहे वो मोटरसाइकिलों की मांग हो, चाहे बहुत सारे ऐसे और अन्य क्षेत्रों में भी काफी खरीदी किसानों ने की है, क्योंकि उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम जो नीति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार ने जो नीति बनाई है उससे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक मंदी से काफी दूर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बेमेतरा जिले में हमारे नगर में आए हैं, वैसे भी पूर्व में भी उन्होंने बहुत सारी स्वीकृति दी है, लेकिन तब भी हमारी कुछ और बात है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बेमेतरा जिला जिला जरूर बना,
लेकिन जिले में जिले के अनुरूप यहाँ काम विकास कार्य नहीं हो पाए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है बेमेतर जिले का व्यवस्थित विकास हो पाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कुछ मांगे हैं हमारे जिले वासियों की, कल बहुत सारे सामाजिक संगठनों से, बहुत सारे व्यापारियों से, बहुत सारे शहर के प्रतिष्ठित जनों से हम लोगों ने चर्चा की कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कल बेमेतर होने जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम क्या ऐसी बड़ी सौगात मांगे ताकि हमेशा कई वर्षों तक बेमेतर हमें याद रखें कि माननीय भूपेश बघेल जी ने बेमेतर को एक बहुत बड़ी सौगात दी। ये मैं सबसे पहली मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से रखना चाहता हूँ कि हमारे बेमेतर जिले में जिला अस्पताल जरूर है लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी जो सुधार हो पाना था, पूर्व 15 साल की सरकार में सुधार नहीं हो पाया है। एक अगर मेरे साथ आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा यहाँ पे हो जाती तो मेडिकल कॉलेज का लाभ हम सबको मिलेगा आने वाले समय में, जो हमारी चिकित्सा की व्यवस्था है वो सुधरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ की सरकार आपके नेतृत्व में एक ऐसे नाम का प्लान बनाने जा रही है जिससे बायो के माध्यम से बायो पेट्रोल बायो तेल का निर्माण होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि बेमेतर जिला कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पे किसानों के धान का रकबा बहुत अधिक है, तो अगर बेमेतर में रहकर आपका प्लांट की स्थापना आपके द्वारा यहाँ पर की जाए ताकि उसका लाभ हमारे बेमेतर जिला वासियों को मिल सके। साथ ही साथ बेमेतर शहर में जब हमारे शहर में कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, बेमेतर जिला मुख्यालय बन चुका है लेकिन यहाँ कोई भी ऑडिटोरियम नहीं है, तो आज 5 करोड़ रुपए की घोषणा एक अच्छे ऑडिटोरियम की हो सके ताकि दोबारा हम आपका स्वागत अभिनंदन बेमेतर में करें। तो ऑडिटोरियम के अंदर बैठ के काफी अच्छे तरीके से हम उसका वहां पर आपका स्वागत कर सके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ एक ऑडिटोरियम हमारे बेमेतर को आपके द्वारा सौगात यहाँ मिले। साथ ही साथ लोहरा जलाशय हमारे बेमेतर जिले में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिससे हमारे परिवार के लोग, हमारे अधिकारी कर्मचारी बहुत संख्या में बेमेतर में रहते हैं कि परिवार के साथ जाकर अपना मनोरंजन कर सकें। बेमेतर से सभी से किलोड़ा का जलाशय है, उस जलाशय का अगर सौंदर्यीकरण हो जाए, वहाँ मौका विभाग हो जाए तो उसका लाभ हम सबको मिलेगा, एक मनोरंजन का अच्छा साधन वहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किलोड़ा जलाशय का सौंदर्यीकरण हो। साथ ही साथ हमारे बेमेतर शहर में बेमेतर की पहचान माँ भद्रकाली की पावन धरत है, माँ भद्रकाली की प्राचीन मंदिर से काफी बड़ा शक्ति के लिए भद्रकाली माता का मंदिर है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भद्रकाली मंदिर का तालाब का सौंदर्यीकरण रुपए की 1 करोड़ रुपए की राशि आपके द्वारा स्वीकृति मिल जाए तो भद्रकाली तालाब का हम सौंदर्यीकरण कर सके। साथ ही साथ टिकरी बांधा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए, कोबिया में तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए। उसके साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे एक महत्वपूर्ण मांग है मुख्यमंत्री जी की, हमारे बहुत सारे समाजों के भवन यहाँ बने हुए हैं, पूर्व में कहीं भी समारोह ने उस समय बिना आवंटन के भी भवन खराब किया गया है, अभी गरीब लोगों को हम पट्टा देने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज का भी यहाँ भवन बना हुआ है, जिस जगह में वहाँ समाज का भवन बना है वहाँ पे पट्टा उसको यथावत उन समाज वालों को दिया जाए। और साथ ही साथ इस बेसिक स्कूल मैदान की सौंदर्यीकरण की मांग, 3 करोड़ रुपए की बेसिक स्कूल मैदान के सौंदर्यीकरण की राशि आपके द्वारा स्वीकृति मिल जाए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको सुना का विवेक था, मैं आप सब काफी संख्या में हमारे किसान साथी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, आप सबका स्वागत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रभारी हो, स्वागत तो बहुत लंबा हो गए, मुख्यमंत्री जी ने सुन रहे हैं, देखा देती है स्वागत वाले में रुक जाओ। हमारा बहुत सौभाग्य कि सरकार बनने के बाद हमारे मंडी के कृषि मेला में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रही है और बेमेतर 9/11 साझा विधानसभा के लाखों हजारों कार्यकर्ता और कांग्रेस के और किसान साथी यहाँ मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हम सब स्वागत करना चाहते हैं, आप सबसे अपील है जो ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करो। मंच में
प्रधानमंत्री हजारों लाखों किसान छत्तीस घर में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित है, मुख्यमंत्री जी के साथ हम दिल्ली गए हैं, वहाँ के कृषि मंत्री से चर्चा करे बार, वहाँ के खाद्य मंत्री से चर्चा करे बार। और किसान भाई आप सब एक बात समझ लेना, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल जी कह रहे हैं हम 3500 में धान खरीदो, लेकिन मतलब 3500 में खरीदो ना, हमारे दिल्ली के मदद की जरूरत है, ना मोदी के पैसा की जरूरत है, ना केंद्र के कोई सहयोग की जरूरत है। छत्तीसगढ़ सरकार अपन पैसा से अपन बजट से हमारे किसान के धान खरीदी, पिछले साल 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रहे हैं, वो कर कीमत 20,000 करोड़, और एक साल 85 लाख मीट्रिक टन धान 25,000 करोड़ के अपन बजट से खरीदे पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले, देखा स्थिति धान खरीदी में कोई चिंता नहीं करना है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली एक घर बन गए कि केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से हरियाणा के चावल खरीदते, पंजाब के चावल खरीदते, बंगाल के चावल खरीदते, आंध्र प्रदेश के चावल खरीदते, हमारे छत्तीसगढ़ के चावल मोदी चावल में खरीदना चाहते, एफसीआई में चावल ऑर्डर नहीं देते। छत्तीसगढ़ के किसान का भारत के किसान मार, छत्तीसगढ़ के किसान 2500 लेवर हम केंद्र सरकार से पैसा नहीं मांगा था, लेकिन जो धान खरीदो भाटा टीका में जमा हुई पूरा का करेबर छोड़ देवो, हमारे मुख्यमंत्री के कहना है वो धान खरीद हम जब नारा दे हम गर्व नवर छत्तीसगढ़, वो कर शुरुआत एक किसान से होना है। नरवा गरवा घुरवा भारी छत्तीसगढ़ में चार मिनारी देखने पूरा योजना बना थे, हमारे बेबेनगर जिला में भी बहुत सारा गौधान स्वीकृत है, आने वाला समय में वो गौधान स्वीकृत होगी। नाला के पानी रोकना है, गौधान के सेवा करना है, गौधान के बनाना है, सुनारी गांव बनाना है, और गौधान के गोबर के उपयोग कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट में करना है, बाड़ी तैयार करना है, किसान स्वाभिमान से खड़ा करना है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में किसान के बेटा और किसान के लिए सोचने वाला हमारा सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी दो ताली बजा के स्वागत करा, और मेरे तरह बहुत करोड़ों के सौगात मिले और बचे हुए काम है। आसिफ भाई को स्मरण करें, गुजरात बोल देते हैं अभी हेलीकॉप्टर के जल्दी है, माननीय गुजरात जी मैं मुख्यमंत्री को बता दे रहा हूँ कोई चिंता करे काम नहीं है, 15 साल हमारे बनते है पूरा जिला पिछवा गए है, लेकिन 5-6 साल में बेगूसराय जिला में हॉर्टिकल्चर के कॉलेज, एग्रीकल्चर के कॉलेज, गन्ना के फैक्ट्री, दूध के संयंत्र, ये सब के घोषणा हो चुके हैं, आने वाला समय में ये धीरे धीरे पूरा होए, और हम सबके सौभाग्य है कि किसानी के बारे में, गांव के बारे में, गरीब के बारे में सोचने वाला मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में मौजूद है। गरीबी हटाओ के नारा हमारे इंदिरा गांधी डेयरी से और इंदिरा जी के रास्ता में चल के हरित क्रांति करना है, और किसान अपन पैर में खड़ा करना है, वो का नेतृत्व आदरणीय भूपेश जी करते हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ, और आप सबके प्रति आभार व्यक्त हुए हमारे बड़े भैया श्री ताम्र पावन जिला मैं आमंत्रित करता हूँ हमारा संबोधित करें बड़े भैया श्री ताम्र पावन जी। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बहुत ही हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौधरी जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी,
हमारे खाद्य मंत्री आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, विधायक साक्षीगंज रेणेकरा, विधायक आशीष छावरा जी, नवागढ़ विधायक बुद्धिवार बंजारी जी, प्रतापपुर के विधायक आदरणीय रश्मि सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष कविता जी और दादा राम जमा बेली भाई, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित यादव जी और उपस्थित सबो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पदाधिकारी गण, नगर पालिका नगर पंचायत सबो पदाधिकारी गण और दत्ता धारा द्वारा उपस्थित और कांग्रेस के सब सियान नौजवान साथी पदाधिकारी भाई बहनी मन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी मन अधिकारी कर्मचारी सवा चार बजे हेलीकॉप्टर उन्हों की जो है सवा चार बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना है एक संक्षिप्त में अपन बात अगर सरकार बनने के बाद आप अनुभव करे हो एक अलग विशेषता कोई बात अगर मुख्यमंत्री आप घोषणा करते तो सांझ या विधान दिनों में काम शुरू हो जाए ये पहली विशेषता 15 साल में घोषणा करके बाकी रहा इसमें कोई काम नहीं है जैन जैन चाहे हरिणी तिहार के छुट्टी पीजा के छुट्टी देवी चढ़े के बाद भारत के निर्माण और उन्हीं ने डुबर डुबर के नहाए के बाद तुम्हें डूबते रहे तो जन कौन दे रहे हो डुबर हरी लान राजधानी में हमारे मुख्यमंत्री डुबर डुबर के नहाए तो हमारे मोर के एक मतलब यह है छत्तीसगढ़ी संस्कृति ल उजागर करके अभी राजभाषा के दर्जा हमारे देश की शिकर से अभी हमारे छत्तीसगढ़ महाकाली के वंदना जन चल देते हैं तो मोर के एक मतलब यह है कि 11 महीना के अंदर माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जत्था घोषणा जत्था योजना जत्था कार्यक्रम सब किसान के नौजवान हमारे बैनी हमारे आदिवासी हमारे कुपोषित रहेगा कुपोषित माता हमारे बेरोजगार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति सियान किसान सब के लिए योजना बने आशीष हमारे में मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का ने मोरा पेंशन विभाग से बढ़ता बढ़ता जिन्हें एक तरह पर्यटन तो होकर विषय में बेमेतरा जिला में जिन मांग रही हमें होकर परीक्षण करा के स्वीकृत कर वो पर्यटन में शामिल कर एक तरह मांग रहा है ये अली मांगे हैं जेल विभाग है मुर्तरफ तो खुला दे बेमेतरा हम थोड़ा सा बता दे ताली बजाना जेल बता नहीं बता के बाकी में ताली बजाओ और ये काम पीडब्ल्यूडी सड़क के पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदारी ये है स्वामी पूर्णिया से लेके आगे ढाबा तक आज भूमि पूजन करीब मुख्यमंत्री जी लगभग 32-35 करोड़ के स्वीकृति दे ताकि बेमेतरा में 4 लेन सड़क बने अब चूंकि बेमेतरा की विकास एक स्वीकृति होगी भूल बता दू मैं यहाँ तुम्हारे मन के नाम ही रहा हूँ हाथ ही लाभ देखा नाम का अध्यक्ष हूँ ताली सवा चार बजे बेमेतरा के विकास काफी ज्यादा हो बता गुरुजियार यहाँ विधायक है आशीष विधायक है और रवि चौबे जी पुस्तैनी रूप से विधायक है भाई गुरुजिया नहीं तो हो नहीं तो बेमेतर जिला हो गए तब हो विधायक और महू यहाँ विधायक है महू सांसद है और बड़े बात हम बता हमारे मुख्यमंत्री जी के मंगियारो भी है और ममा वाले जी है तो बेमेतर के विधान में कोई कमी नहीं हो ये बात के आसपास हम मेरे तरह खूब जान के सजा दो चाहे टीका से लेके हमारे कोरोना बस्ती से चौक से नवा कर तक चाहे गोबिया तक और दिन सड़क बढ़िया गौरव पथ के निर्माण बढ़िया चौक के निर्माण लेने तरह आने वाले 1-2 साल के अंदर सब के नया रूप में दिखी ये बात का विश्वास दिलास में अपन वाणी विराम लेते हूँ धन्यवाद जय हिंद जय छत्तीसगढ़ और एक साथ हमारे सुनवाद मुख्यमंत्री हमें छत्तीसगढ़ के किसान के बेटा आदरणीय भूपेश बघेल जी आमंत्रित कर रहे हूँ उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर आमंत्रण जब तक सूरज चांद रहेगा
श्री आदरणीय अनिल भेड़िया जी, भाई अमनजीत भगत जी, विधायक देवेश्वर, भाई अजीत चावड़ा जी, आगड़ी गुरदयाल बंजारे जी, विधायक कविता साहू जी, संतोष शर्मा जी, रश्मि सिंह जी, सुमन गोस्वामी जी, मुकेश वर्मा जी, रामकृष्ण ब्राह्मण जी, मोदी जी, नितिन उपाध्याय जी, सत्येंद्र चौहान जी, सुशील साहू जी, ओम वर्मा जी, मनोज जसवाल जी, सविता रिमानी जी, मनन सिन्हा जी, गोपाल साहू जी, मंदिर सिंह जी, मनन सामकर जी, मंचर सब साथी मन उपस्थित सब अधिकारी मन सब विभाग के स्टार लगे हैं वो माया सब अधिकारी भाई बहनी मन उपस्थित सत्यार मन दीदी बहनी मन साथी मन देखा साल के मेरा हो गए सब जब जाना है हमूल उठना है से भाग में कटकार कर रखे काम कर दस भैया वो पहुंचे थे मुख्य बात आदरणीय रवि चौबे जी और ताम्रध्वज भैया पहुंचे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि किसान के जेब में 2500 रुपया पहुंचना चाहिए दो हजार 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी घोषणा करने से और 2014 में मिली थी और 14 के बाद बंद कर दी आज फिर लोकसभा चुनाव बाद फिर बंद कर दे कि दिल्ली सरकार कहा थे बोनस देवे तो हम तो चावल नहीं खरीदा तो भैया तोड़ कर पैसा मांगा थे हमारे पैसा दे था छत्तीसगढ़ सरकार के पैसा ना छत्तीसगढ़ के किसान ला दे था हम अंतोला अतिरिक्त कुछ नहीं मांगा था हमारे चावल जैसे पहले ले रहे तैसे ही हूँ साल ले कहा गए थे बोनस देने किसान लोर चाउर नहीं ला किसान धान उलझा है बेच भी देखा तो मधान सरकार अन्न के अपमान कर आठम पड़े नहीं सर यही कौन लगने लगी मैं बता भारत सरकार नहीं ना कहा चाउर हम अंतरण दूसरा जैसे छोड़ दे जैसे दूसरा छोड़ दे लेकिन ये रुका समाधान प्रधानमंत्री कई गांवों में चिट्ठी लिखे खाद्य मंत्री से मिल रहे हैं कृषि मंत्री से मिल रहे हैं अभी फिर से चिट्ठी लिखे हैं लेकिन सवाल इस बात के है कि चावल भारत सरकार नहीं ले बसे तेरे लोकसभा को उठाए रजे करी अभी लोकसभा खाली शुरू हो जितना छत्तीसगढ़ से चावल लगे भारत सरकार ने बात लोकसभा कौन उठाई तो हम सांसद से बोलो बोलो बैठक में बनाए रहे थी सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं सब किसान मंच बैठक कर रहे हैं और कह रहे थे हम हर हालत में 2500 रुपया किसान के जेब में डाल रहे पिछले साल वाले ने कहते खुशहाली किसान मन में ऋण माफी करें 2500 रुपया दे रहे सब और प्रसन्नता छत्तीसगढ़ में खुशहाली रमन सिंह के बाद में निकाल कर देख रहे किसान मन हर साल आत्महत्या कर रहे इस साल ये किसान आत्महत्या नहीं हमारा मंत्री जन योजना है कि यहाँ के आदमी यहाँ के जो रहैया है देकर मन के इनकम बढ़ाए किसान के इनकम बढ़ाए मजदूर के सुविधा मिले आदिवासी मन के हित हो एकर पर काम कर रहे सुपोषण योजना चला था अभी मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना चला था प्रत्येक बस्तर में हर साल उल्टी का सजा आदमी मन मर जाते थे बीमार पड़ जाते थे हाट बाजार क्लिनिक के साथ शुरू कर ये सकता है ये छत्तीसगढ़ सरकार के प्राथमिकता यहाँ के लड़का मन कुपोषित नहीं होना चाहिए और हमन
दिक्कत कैसे बनी? 28 साल गुजरात बनाकर या ये 2 करोड़ 80 लाख दिन आदमी बने सेवन स्वस्थ रहा है, ताकतवर रहा है, सब छत्तीसगढ़ में वही पाया कि हम लड़का मतलब भोजन करा था खून की कमी से कृषि ग्रामर बेटी बहन मन मसारी बहनी मन उपर बंद परियोजना चला था, शिक्षा परियोजना चला था। ये योजना छत्तीसगढ़ में चले थे। अभी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना बहुत बड़ी योजना चला थी से छत्तीसगढ़ के स्वप्न दर्शक देकर नाम शुरू करे शुरुआत हुई। हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मान जगह पर हम हरेली छुट्टी दे सम्मान के बाद तीजा पर छुट्टी दे विश्वासी पर छुट्टी दे राजीव कुंभ मेला करे सिर्फ कुंडी मेला करे हमारा ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान जिला आगे बढ़ाने के काम हम कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के किसान के साथ छत्तीसगढ़ सरकार खड़े हर हालत में 2500 रुपया हमें देना है। हम तय करे हैं एक पर हम केंद्र सरकार से आग्रह करा था निवेदन करा था और साथ ही साथ सरकार किसे की चाऊ रखे की जगह नहीं है हम इनके एकरे से सलाह बना दे धान से गन्ना या खूब उत्पादन होने चाहता हूँ हमारे समर्थन के सत्तर कारखाने हमारे शराब कार मिलेगी और बेबे शराब में भी अपना ताकि गन्ना उत्पादक किसान मन भी लाभ मिले धान उत्पादक किसान मन भी लाभ मिले। आज बहुत अगर मन हमारे घर की करे पैसा के कोई कमी नहीं आता चाहे विकास कार्य पर हो चाहे तालाब के सौंदर्यीकरण पर हो चाहे मेले तरह पर हो सामर्थ भैया बताइए है कैसे कैसे रिश्ता जिम्मे तरह है सबके बोला दोहराते हैं बोला नहीं दोहराना चाह लेकिन अब तक कहना चाहता हूँ बेमे तरह से यहाँ के रैया मन के साथ हमारे आत्मिक संबंध राजनीति की शुरुआत बेबीतरा नवागढ़ साजा देवघर देवला यहाँ से हम हमेशा आज रात रहे हैं। बेबीतरा बहुत सुंदर विकसित हो लेकर पर हमें थोड़ी राशि की कमी नहीं आमदन ये बात की विश्वास आप मंगल के आज हम हैं बेबीतरा में क्यूबे खूब है दुई पैठ हम नाला योजना नरवा ऐसा नरवा बांधे काम न शुरू कर बता कि वाटर रिचार्ज नहीं हुए बोर मत सुखाए ये बगैर गौठान की योजना हम शुरू हो गए हम पहला इकट्ठा करे वो मशीन हर ब्लॉक में ताकि जेब पैरा दान करना चाहते उसका दूसरा किसान के पैरा मिला से हम पेड़ के गौठान में रखो ताकि गरबा बाहर मशीन और चारा मिले बारह में घर अचानक व्यवस्था कर दो ये मन गाय माता के नाम से वोट मांगते हम सही निकल माता की सेवा करना चाहते बहुत ज्यादा न चले दिमौरी मिले सर दिमौरी में उप तहसील के मान करे ओपरों घोषणा करा था और विधायक जी और सब चौधरी मन नाम घर के मान करे ओपरों घोषणा करा था राशि के कोई कमी नहीं आंदोलन अब के बात कर रहे हो मंडल जी का विराम दे दो धन्यवाद जय जय जगत धन्यवाद आगा है ये बाकी बाकी जो को प्रतिक्रिया भेंट करने हैं तो जिला प्रशासन की ओर से मांगने के लिए महावीर से निवेदन आप मानिए मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रकाश मंत्री भूपेश बघेल जी का प्रतिक्रिया मिलेगा सम्मान करेंगे साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं।